दोस्तों लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इनसे एक ऐसा बेहद कामयाब और कारगर इलाज बताने वाला हूँ कि जिससे आज लगभग लगभग हमारे जो 40 से ऊपर के हमारे इंसान हैं वो लगभग भारत में लाखों बल्कि करोड़ों की संख्या में जो है पीड़ित हैं। दोस्तों ये फार्मूला जो मैं बताने जा रहा हूँ ये उस चीज़ के लिए फार्मूला है जो हमारी नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, जिससे हमारे हाथ पैरों में सुन्नी रहती है, हमारी टांगों में दर्द रहने लगता है और डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी रगें अब ये बंद हो गई हैं कि यहाँ पर आपके खून का दौरान नहीं है। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये सब सब्र आयुर्वेद के साथ किस प्रकार इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं आबरेशम। जी हाँ, ये वो आबरेशम है कि इसके अंदर जो है रेशम का जो कीड़ा होता है और दोस्तों इससे ऊपर भी बुलबुले निकल रहे हैं, ये हमारे रेशम है, देखिए सभी रेशम, इसे हम आबरेशम के नाम से जानते हैं। और दोस्तों दूसरी चीज़ जो है इसमें वो हम लेंगे गुलिया खात्मी, यानी कि खात्मी का फूल। ये देखिए खात्मी का फूल है, ये आपको किसी पंसारी दुकान से आसानी से मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें हम डालेंगे ये नागर मोथा। जी हाँ, ये नागर मोथा आप अच्छी तरह पहचान लीजिएगा, और अगर नहीं पहचान पाए तो आप पंसारी के पास अगर जाकर कहेंगे नागर मोथा तो वह आसानी से आपको दे देगा। अब दोस्तों इसको आइए जानते हैं किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों किस एज में ज़्यादा ये फैक्टर का हमारे इसकी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों वह पुरुष जो 40 से ज़्यादा कामकाजी हैं और जो मेहनत मजदूरी करते हैं या ऑफिस में बैठते हैं और जिनकी रगें काम करना बंद कर देती हैं, जिनके हाथ पैरों में सुन्नी रहने लगती है, डॉक्टर कहता है कि इसको जो है नंबनेस हो गया, कि इसकी नसें जो है ब्लॉकेज हो चुकी हैं। दोस्तों ये उसके लिए बहुत ही कारगर घरेलू उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। यकीनन ये फार्मूला आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के अलावा किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। दोस्तों इसके आपको क्या लेना है, ये कम से कम आपको 10 ग्राम आबरेशम आपको ले लेना है किसी पंसारी के पास से। और दोस्तों ये कम से कम गुल्ला खात्मे जो आपको लेना है ये 50 ग्राम आपको ले लेना है, और लगभग लगभग 50 ग्राम आपको नागर मोथा भी ले लेना है। दोस्तों इन सबको आप इमाम दस्ते में डाल करके अच्छी तरह से कूट लीजिएगा, और इमाम दस्ता अगर आपके पास नहीं हो, बड़े शहरों में कमी होती है, तो आप इसे किसी मिक्सी की सहायता से भी अच्छी तरह से पीस सकते हैं। और दोस्तों इसका बहुत बारीक पाउडर आप बना लेना और कपरछन कर लेना। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से मैंने ये पीस करके इसका जो है चूर्ण बनाया है। दोस्तों देखिए मैंने पहले से इसका चूर्ण बना रखा है और ये चूर्ण जो है इस तरह का ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जब ये चूर्ण बन जाएगा तो इसे आप किसी प्लास्टिक के जार में, जैसे मैंने रखा है, ये अपने मरीजों को बहुत देता हूँ मैं और फायदा उठाते हैं, वो एक जार में आप रख लीजिएगा। और इसको आपको जो है 5 ग्राम सुबह खाली पेट और 5 ग्राम रात को सोते समय आपको गुनगुने पानी से इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों मैं एक से एक अच्छी और नायाब जानकारी आपके लेता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको जरा ही पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कृपया करके इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिएगा ताकि कोई भाई अगर इस रोग से पीड़ित है तो वो इसका फायदा उठा सके, इससे आप भी धर्म लाभ कमाएंगे। दोस्तों अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह जाता तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, या ये जो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पर मुझसे मैसेज करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए मैं दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। और चलिए अब मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के साथ, जब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मैं सईद गौहर सबरंग आयुर्वेद से।